आज हमारे पास इंडिया टीवी पर एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है जो बहुत गुस्से में है, बहुत नाराज है, बहुत खफा है। उनकी गुस्से, नाराजगी और खफा होने की जो वजह है हम उन्हीं से जानेंगे। इस वक्त मेरे साथ है अनुप्रिया तुतसे, आपका की पूर्वा। पूर्वा, सबसे पहले ये बताइए कि आपका जो कैरेक्टर है अनुप्रिया, कल्याणी की माँ, मल्हार की सासू माँ, इतने गुस्से में है, इतनी नाराज है, क्या हो गया माँ बेटी के बीच में? ये आप प्रोमो देख के गेस कर रहे हैं बिल्कुल ना कि बिल्कुल ओके। तो अगर आप जानते हैं तो हमारे शो ने लीप ले लिया है। कल ही लीप के बाद वाले एपिसोड्स की टेलीकास्ट शुरू हो गई है। सो व्हाट हैज हैपेंड इज बिफोर द लीप, जस्ट बिफोर द लीप, मल्हार ने कल्याणी को गोली मार दी थी। और तो बेसिकली मल्हार से उस बात का गुस्सा है कि उसने बेटी को मार दिया था। और 5 साल गुजर चुके हैं उसको और कल्याणी अब लौट आई है। लेकिन अनुप्रिया की जो एक ही सपोर्ट थी घर में या फिर जिंदगी में, लाइफ में, वो थी कल्याणी। और उसको गोली मारने के बाद वो गायब हो गई। और उसके बाद अनुप्रिया की पूरी जिंदगी बिखर गई फिर से, क्योंकि उसकी जो हिम्मत थी, जिसने अनुप्रिया को खड़े होना सिखाया था, वो ही गायब हो गई थी। तो अनुप्रिया इज बैक टू स्क्वायर वन। एंड इसीलिए वो गुस्से से ज्यादा उसका हेल्पलेसनेस है वो, कि 5 साल वो नहीं थी और दोबारा शी हैज टू स्टार्ट हर लाइफ अगेन फ्रॉम जीरो, क्योंकि जो उसने कमाया था कल्याणी की हेल्प से वो पूरा वो खो चुकी है। एंड आओ साहेब इज अगेन टॉर्चरिंग हर। एंड कल्याण अनुप्रिया हैज लॉस्ट हर कॉन्फिडेंस। और उसको पता नहीं क्या हो रहा है लाइफ में, और उसे ऐसे लग रहा है कि जो भी नेगेटिव चीजें हो रही है ना, वो पूरी उसकी वजह से हो रही है। तो वो थोड़ा डिप्रेशन है उसके लाइफ में, और उसकी वजह से वो कभी कभी गुस्सा होता है, कभी कभी नाराजगी होती है, लो कॉन्फिडेंस है। तो ये सारी चीजें 5 साल में हो चुकी है। आई थिंक दैट धीरे धीरे अब वो पता चल ही जाएगा। लेकिन अनुप्रिया से मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि आपको बेटी के लौटने की खुशी क्यों नहीं है? आपको इस बात की खुशी क्यों नहीं है कि कल्याणी को मल्हार ने गोली मार दी, आपकी नजरों में वो मर चुकी थी, सबकी नजरों में मर चुकी थी, बट वो जिंदा थी और वो वापस आ गई है, और वो भी मतलब एक बहुत बड़ी अफसर बनकर आई है, ऐसी अफसर जिसको अब मल्हार ही सैल्यूट कर रहा है। हाँ, लेकिन अभी अभी तो लौट आई है, अभी तो बहुत सारी गलत फहमियां हैं। 5 साल थी कहाँ वो? अगर वो जिंदा थी तो पहले ही आना चाहिए था। 5 साल उसने ऐसे ही छोड़ दिया अपनी माँ को, तो जान तो लो पहले, नहीं, आपकी है बात ना? सही है, ये मतलब सच्चाई पता लगाना बहुत जरूरी है आपके लिए भी और हमारे लिए हाँ, भी, कि तो वो आखिर पहले कल्याणी अनुप्रिया को की माँ। सच्चाई तो पता चले कि वो सच में अपनी बेटी है कि कौन है। मतलब तो 5 साल कहाँ थी वो अगर वो बेटी थी तो? कल्याणी अब वापस आ गई हैं और उनका लुक भी है बहुत डिफरेंट है, आपकी बेटी से ज्यादा वो एक अफसर लग रही हैं अब। उनका कोट पहनने का जो स्टाइल है वो बड़ा डिफरेंट है, एटीट्यूड आ गया है अंदर। आई थिंक मतलब मल्हार की सीनियर बनकर आई हैं जिसको मल्हार भी सल्यूट कर रहा है। सो मुझे ऐसा लगता है कि शायद 5 साल उन्होंने इसी चीज की तैयारी करी कि किसी तरीके से मल्हार से इस बात का बदला लिया जाए कि उसने मुझे गोली मारी। ये भी एक रीजन हो सकता है, आप इस नजरिए से भी सोच सकती हैं। हाँ, सोच सकती हूँ, लेकिन अब अनुप्रिया को भी थोड़ा वक्त लगेगा, बिकॉज लाइक आई सेड कि उसकी एक ही सपोर्ट थी और वो थी कल्याणी। जब कल्याणी ही चली गई तो 5 साल शी वॉज मे बी इन डिप्रेशन, शी लॉस्ट एवरीथिंग इन लाइफ, शी डिडंट हैव अ रीजन टू लिव। तो वो एक ही झटके में तो ठीक नहीं हो सकता, उसको भी टाइम लगेगा थोड़ा थोड़ा। सो लेट हर फर्स्ट रियलाइज दैट कल्याणी इज बैक, एंड देन मे बी वील सी वॉट हैपन्स इन अवर लाइफ। अच्छा, ये आओ आओ साहब का क्या चक्कर है? उनको क्या और कोई काम नहीं है आपको टॉर्चर करने के अलावा? मतलब शीज मतलब हाथ पैर धो के, नहा धो के नीचे पड़ रहे, पड़ी रहती है पूरे समय आपके। देखिए ना, हम भी उन्हें वही कहते रहते हैं कि आपको दूसरा कोई काम नहीं है क्या? आप सिर्फ अनुप्रिया के पीछे पड़े रहते हैं पूरा दिन। पर आई थिंक शी स्वीट, इट्स जस्ट अ कैरेक्टर, बिकॉज जब अनुप्रिया को कभी कभी उनकी जरूरत थी तब वो थी भी उन अनुप्रिया के साथ। एंड सर्कमस्टेंसेस ऐसे है कि शायद वो वैसे रिएक्ट कर रही है। बट एज एन एक्टर आई थिंक शी इज जस्ट वंडरफुल, सो वो देखने में भी बहुत मजा आता है। अच्छा, अब जरा मेरा सवाल पूर्वा से, अनुप्रिया से तो काफी बात हो गई। पूर्वा, ये बताइए कि लॉकडाउन का मतलब एक सौ सवा सौ दिनों का पूरा ब्रेक था जिसमें शूटिंग नहीं हुई, आप लोगों ने वापस शूट चालू किया, बाकी सभी टीवी सीरियल में भी शूट चालू हुए, मतलब किस तरीके से आप लोग आजकल शूट कर रहे हैं? कोई अप्रिहेंशन है मन में, कोई डर है? बिकॉज कोरोना अभी भी है एंड केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, फिर भी आप लोग रिस्क लेकर शूट कर रहे हैं ऑडियंसेस को एंटरटेन करने?
निकले? Was there any apprehension जब आप सेट पर वापस जा रही? Yeah, definitely. I mean, we were shit scared because when जब शुरू अब तो फिर भी ठीक है because it's 1.5 month, but when we started shooting, all of us were really skeptical कि सच में करना चाहिए शूट इतने जल्दी because अभी तक तो कुछ ठीक नहीं लग रहा है. लेकिन काम करना भी सबके लिए जरूरी था, इंडस्ट्री शुरू होना भी सबके लिए जरूरी था. बट आई थिंक आवर प्रोड्यूसर्स वर रियली गुड एंड जैसे हम अब जूम मीटिंग कर रहे हैं वैसे जूम मीटिंग की थी प्रोड्यूसर्स ने सब एक्टर्स के साथ. हमें भरोसा दिलाया था कि डोंट वरी, वी टेक अटमोस्ट केयर ऑफ एवरी पर्सन ऑन द सेट. एंड यूनिट हमारी कम कर दी थी बिकॉज दैट वॉज अ रूल. वी वर ऑलमोस्ट 90 to 100 पीपल ऑन द सेट जो 35 to 40 तक लाए गए थे. तो ये सारी चीजें की थी, अभी भी कर रहे हैं हम. सैनिटाइजेशन होता है रोज 2 से 4 बार, हर एक मेकअप रूम्स का होता है, कॉस्ट्यूम्स का होता है पहनने से पहले. आर यूनिट इज इन पीपी सूट्स, आर हेयर ड्रेसर्स, मेकअप मैन, एवरीबडी इज टेकिंग एटमोस्ट केयर. टेम्परेचर्स चेक किए जाते हैं, ऑक्सीमीटर्स है, सो एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ. अब उसके बावजूद अगर होता है तो हम कुछ नहीं कर सकते बिकॉज यू नो दैट इज द बेस्ट दैट वी कैन डू आई थिंक एवरीबडी. क्योंकि घर से बाहर तो अब निकलना ही है. इट्स ऑल मार्च वॉज द लॉकडाउन एंड टूडे इज वॉट ऑलमोस्ट ऑगस्ट, सो इट्स 5 months एंड यू नो सो एवरीबडी हैज टू गेट आउट ऑफ द हाउस. बट आई थिंक ईच वन शुड टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स एंड द रेस्ट ऑफ द पीपल, ओनली देन वी कैन सर्वाइव एंड वी हैव सर्वाइव्ड. मतलब fortunately, touch wood, there is no one as of now on our sets who has fallen ill or has complained of anything. But yes, there was definitely apprehension and there still is. Every time when we जब shoot पे जाते हैं तो रोज it's like a new day every day. Yeah, you know कि आज भी हमें it's like a war. So it's still there in the mind. But yeah, we are coping up with it. आपका जो सेट है वो बड़ा इंटरेस्टिंग इस सेंस में भी है कि आप लोगों की जो आपसी बॉन्डिंग है सभी एक्टर्स की, जो पूरी यूनिट की है, वो बहुत अच्छी है एक दूसरे से. और जब भी मैंने आपके सेट पर विजिट किया, मैंने हमेशा देखा आप लोग जब भी शॉर्ट कट होता था साथ में बैठ के झुंड बना के गैंग बना के मस्ती कर रहे हैं, प्रैंक्स कर रहे हैं, लूडो खेल रहे हैं मोबाइल पे, देन साथ में लंच करते हैं आप लोग एक दूसरे के मेकअप रूम में जाके. बट बिकॉज ऑफ दिस कोरोना वायरस और जो कोविड सिचुएशन है उसकी वजह से आई थिंक ये सारी चीजें मैंने हर सेट पर देखा कि बहुत कम हो गई है. आप एक दूसरे के मेकअप रूम में जाना अवॉइड कर रहे हैं, साथ में खाना खाना अवॉइड किया जा रहा है. आपके सेट पर क्या माहौल है? सेम माहौल है. बहुत चीजें हैं जो हम अवॉइड कर रहे हैं. इवन इफ वी आर इन ईच अदर्स मेकअप रूम्स, वी आर सिटिंग विद मास्क. और अब तो लीव के बाद क्या हुआ है ना, वी आर ऑल्सो सेपरेटेड. कल्याणी अलग रह रही है, मल्हार अलग रह रहा है, आई एम विद हाउस हैव इन द हाउस, सो वी आर एनी वे सेपरेटेड. सो वो पहले जो होता था साथ में खाना खाना लंच टाइम पे, यू नो वो सब वैसे भी कम हो चुका है अब. पर ये कोशिश तो यही रहती है कि एटलीस्ट यू नो हफ्ते में एक बार हमें सबको साथ में लेकर आइए शूट के लिए, एक सीन के लिए लेके आइए तो हम एटलीस्ट मिले एक दूसरे से. बट वी हैव डेफिनेटली कट डाउन ऑन थिंग्स लाइक मे बी पोस्ट शूट वी यूज टू यू नो जस्ट गो टू अ कॉफी शॉप एंड चिल आउट फॉर सम टाइम, वो कम हो गया है. सेट पे लूडो खेलना तो एक्चुअली कम हो गया है. लॉकडाउन में तो हमने इतना मिस किया कि हम ऑनलाइन लूडो खेलने लगे थे. सो देयर वर दीस थिंग्स व्हिच वी हैव अडैप्टेड इवेंचुअली. सो वी डू वीडियो कॉल्स नाउ. सो यू नो आई थिंक इट्स जस्ट द न्यू नॉर्मल व्हिच एवरीबॉडी हैज एक्सेप्टेड एंड वी आर कीपिंग पेशेंस मतलब बेसिकली. या अच्छा पूरा एक चीज लास्टली मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि फैंस को इस बात का बहुत इंतजार है कि ये जो तीन धड़े हो गए हैं शो में, कल्याणी, मल्हार और अनुप्रिया, तीन अलग अलग छोरों पे खड़े हैं. आप अपनी बेटी से नफरत कर रही हैं, आपकी बेटी अपने पति से नफरत कर रही है, आपके आपके दामाद को ये नहीं पता कि उसको करना क्या है, ये कल्याणी कहाँ से वापस आ गई जिसको मैंने गोली मार दी. कहानी में बहुत कंफ्यूजन चल रहा है और फैंस डिजर्व टू नो एटलीस्ट अ बिट ऑफ लाइक हिंट कि एग्जैक्टली अब क्या होने वाला है. अनुप्रिया क्या कल्याणी को माफ करके एक हो जाएंगी और आप क्या कोशिश करेंगी कल्याणी और मल्हार को एक करने? See, the story is basically about Anupriya and Kalyani, you know, and the love story between Kalyani and Malhar. So eventually, maa bhi yahi chahegi ki Kalyani aur Malhar saath mein aaye aur maa beti bhi saath mein aaye. But the process will take some time because it's not easy. 5 saal ke baad hum lauta hai. Even if episode wise, it's just
वन डे थिंग, इट इज 5 years, 5 साल में बहुत कुछ हो चुका है. सो आई थिंक द ऑडियंस ऑल्सो शुड कीप सम पेशेंस एंड वेट फॉर ऑल ऑफ देम टू कम टूगेदर, क्योंकि अगर पहली एपिसोड तो पिक्चर ही खत्म हो जाएगी, मतलब यू नो इट्स लाइक द एंड दैट वी आर शोइंग. सो द प्रोसेस इज मोर इम्पॉर्टेंट आई थिंक, एंड इट विल डेफिनेटली बी अ फन प्रोसेस. जैसे पहले 2 साल हमने ऑडियंस को एंटरटेन किया था, वी आर जस्ट होपिंग दैट उसी तरह हम आज भी ऑडियंस को एंटरटेन करते रहे, एंड वी आर जस्ट होपिंग एंड विशिंग एंड प्रेइंग एंड कि ऑडियंस आज भी हमें उतना ही प्यार दे जैसे 2 साल तक दे रहे हैं. ओके, थैंक यू सो मच पूर्वा फॉर टॉकिंग टू अस. थैंक्स, आपने समय निकाला, एंड यू प्लीज स्टे सेफ. आई एम श्योर ये जो नया ट्विस्ट आया है कहानी में तुझसे है रब्ता की, वो ऑडियंस को और ज्यादा ग्रिप करके रखेगा, शो की तरफ और ज्यादा खींचेगा. थैंक यू सो मच. थैंक्स सो मच पारस, थैंक यू सो मच, एंड यू प्लीज टेक केयर. या यू गाइस आर ऑन फील्ड, या सो या यू शुड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ. थैंक यू सो मच, यू स्टे सेफ. थैंक यू, बाय. चलो बाय बाय, सी यू, बाय.